नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली खबर न्यूज चैनल पर। मैं आपके सामने नई खबर लेकर आया हूं। आपको बता दें, दिल्ली के मुंडका में भीषण अग्निकांड, बिल्डिंग में 27 लोग जिंदा चले और 12 लोग जख्मी। दिल्ली में मुंडका की इमारत में भीषण अग्नि शाम 4:45 पर ऑफिस में आग लगने की घटना सामने आई। राहत और बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें, दिल्ली के मुंडका की इमारत में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई। सभी शव बरामद कर दिए गए। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की रेस्क्यू कर लिया गया है। चीफ फायर ऑफिसर अतुल गर्ग ने कहा है कि अब तक की बिल्डिंग में 30 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू का काम लगभग पूरा हो गया है। रेस्क्यू करने के लिए हमने 100 कर्मचारियों की एक टीम लगाई है। अभी फायर डिपार्टमेंट की टीम बिल्डिंग के 30वें फ्लोर पर सर्च अभियान चला रहा है। आग लगने की घटना का जैसे ही पता चला था, दमकल की 27 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। बिल्डिंग में फंसे हुए 12 घायलों को संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मुंडका इलाके में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कंपनी मालिक हिरासत में लिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि कंपनी के मालिक हरीश गोयल और वरुण गोयल को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वरुण गोयल और सतीश गोयल को दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आग में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष की ओर से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।